ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपका दोस्त गौरव यादव। जैसा कि आपने लगातार कमेंट किया था औफत औफत औफत, तो फ्रेंड्स आपका चैप्टर आ जाया है औफत। एवरेज मस्ती के साथ विदाउट यूजिंग फार्मूला, कहीं कुछ नहीं, आराम से कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे औफत। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आपका औफत। फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया था आपको औफत में है क्या, पहले समझ लेते हैं औफत। जैसे भाई अगर मैं कहूं कि आप कमाते हो 30,000 रुपये और आपके भाई कमाता है 40,000 रुपये, तो मैं कहूं कि भाई दोनों की औफत आए क्या करो, तो आप कहोगे फर्जी औफत बराबर होता है योग बटे संख्या। हाँ सर, बहुत सही कहा आपने, लेकिन इन्हीं चीज को हम कॉन्सेप्ट पे समझेंगे और विदाउट यूजिंग फार्मूला सॉल्व कर रहे होंगे। तो कैसे, वो चीज देखिए। जैसे अगर आपसे कहे कि औफत क्या है, तो भाई इन दोनों अगर आप औफत निकालो कितना आया होगा 35। तो औफत मतलब ये होता है भाई, अगर आपका औफत 35 आ रहा है तो एक क्या होता है, औफत हमेशा एक से ज्यादा होगा तो एक से छोटा। अगर दो लोगों का आप औफत निकाल रहे हो तो क्या होगा, वो एक से ज्यादा तो एक से छोटा। मतलब क्या होता है, औफत हमेशा होता है बीच का, मिडिल होता है आपका। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही पर अगर आप देखोगे तो अगर 30 और 40 के बीच में क्या आता है आपका, जस्ट सेंटर पे क्या आता है 35। तो 35 क्या होगा आपका, औफत होगा 30 और 40 का। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट क्या है, औफत होता है बीच का। अब फ्रेंड्स जैसे अगर आपसे कहे कि भाई क्वेश्चन पूछे कि एक बात पहले समझो, क्रमागत संख्याएं क्या होती। क्रमागत संख्या मतलब लगातार क्रम से, या इंग्लिश में बोलते हैं कंजुगेटिव नंबर या सक्सेसिव नंबर्स। तो सिंपल सी चीजें ये है, क्रमागत संख्या मतलब अगर आपसे पूछे क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी बढ़ती जाएंगी मतलब लगातार, ये तो हुई आपकी क्रमागत संख्या। अगर आपसे कहे कि क्रमागत सम संख्याएं, तो कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे होंगी। अगर आपसे यही बोलता है कि क्रमागत विषम संख्याएं, तो क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी आपकी भाई, 1, 3, 5, 7। मतलब कि लगातार विषम संख्याएं आपके पास आए और कुछ ना आए, मतलब 5 से अगली विषम संख्या कौन होगी 7, अगर इससे अगली देखो क्या होगी 9। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, इन चीज़ों को हम थोड़ा यूज करेंगे और स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाई 7 क्रमागत संख्याओं का औफत 20 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपका पिछला ही 2016 में क्वेश्चन बना था सीजीएल में ही। तो सिंपल सी चीजें हैं, एक जो औफत नाम का छोटा चैप्टर है, अगर आप बात करोगे सीजीएल मेंस की, तो सीजीएल मेंस में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन मतलब समझ लो 16 मार्क्स, एक छोटे से चैप्टर जो कि आपका बहुत छोटा चैप्टर, अगर एक दिन में क्लियर हो जाता है तो 8 क्वेश्चन मतलब क्या 16 मार्क्स का। और ऐसा कोई एग्जाम भी नहीं होता, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें औफत से क्वेश्चन ना आए। तो औफत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मस्तिष्क के साथ कहीं ना कहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे। फ्रेंड्स आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, बस इतना समझना है कि औफत क्या होता है आपका संख्याओं के बीच का। कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औफत 20 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स अगर 7 संख्याएं मान लो कोई भी हैं, ये आपकी 7 संख्याएं होंगी भाई, ठीक है जी। तो अगर ये 7 संख्याएं हैं तो इनमें से बीच मिडिल वाली कौन सी हुई आपकी, ये हुई, यही इसका क्या होगा औफत होगा जी। मतलब क्या होगा, औफत से उतनी संख्याएं बड़ी, मतलब 3 संख्याएं बड़ी और 3 संख्याएं क्या होंगी आपकी छोटी। ये आपका औफत ने कितना बताया आपको 20, ठीक है जी। तो आपकी संख्या कौन मिडिल वाली कौन सी हो गई आपकी 20। अब आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, क्रमागत संख्याएं हैं तो 20 ये हो गई, तो अगली संख्या क्या होगी आपकी 21, अगली संख्या क्या होगी आपकी 22, अगली संख्या क्या होगी आपकी 23। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 23। आपका डिजायर आंसर, एक सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होगे। अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या, तो इससे आप छोटे तरफ आते जाओ, इससे छोटी कौन होगी 19, इससे छोटी 18, इससे छोटी कौन सी 17। तो ये आपकी कौन सी होगी सबसे छोटी, ये आपकी क्या होगी आपसे सबसे बड़ी। जो चीज आपसे पूछे उस चीज का आपका कहीं कहीं आंसर निकाल पा रहे होंगे। तो सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये आपका सीएसएल 2012 में आया था, लेकिन अधिकतर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये आपका वीडियो थोड़ा बेसिक लेवल पे होगी, अगला आपका वीडियो हर टाइप के क्वेश्चन को आप फॉलो कर पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें
और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को उतना शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और आपको और ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकें। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन करा कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, सबसे बड़ी संख्या की याद करें, CHCL 2012। चार क्रमागत कौन सी है भाई आपकी सम संख्याएं, चार संख्याएं, तो चार संख्याएं ये होगी। फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था औसत क्या होता है भाई, बीच का, तो औसत बीच का मतलब क्या, मिडिल का भाई ये, ठीक है जी। मतलब कि औसत आपका ये होगा, दो इससे बड़ी होंगी, दो इससे छोटी होंगी, तो भाई आपका क्या आ गया, औसत ये होगा आपका 9। इसने औसत कितना दे रखा है आपको, 9। लेकिन ये संख्याएं कौन सी आपकी क्रमागत सम संख्याएं, तो 9 से अगली सम संख्या कौन सी होगी भाई, 10। 9 से अगली सम संख्या होगी 10। अगर आपसे अगली और पूछे तो अगली कौन सी होगी आपकी, 12। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी, 12। अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी बताओ, तो भाई इससे 9 से छोटी कौन सी होगी आपकी, 8, और सबसे छोटी कौन सी हो जाती है आपकी, 6। तो वो चार संख्याएं कौन सी होगी, 6, 8, 10, 12। सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 12। सबसे छोटी पूछे तो वो क्या होगी आपकी, 6। तो सिंपल सी चीजें हैं यार, आराम से क्वेश्चन को मस्तिष्क तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भाई ये भी आपका 2010 में आया था SSC के, चार लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सिंपल सी चीजें हैं यार, चार संख्याएं, औसत भाई बीच का, तो अगर औसत आपका भाई 27, यही तो आपका औसत होगा, कितना दे रखा उसने, 27। तो भाई इससे ये भी क्या है आपकी, सम संख्या है, तो अगली आपकी सम संख्या कौन होगी, 27, अगली 28, और अगर आप अगली की बात करो क्या होगी आपकी, 30। तो सिंपल सी चीजें हैं, सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 30। अगर आपसे सबसे छोटी पूछे तो भाई इससे छोटी सम संख्या कौन सी होगी आपकी, 26। इससे कौन छोटी कौन होगी, 24। तो अगर आपसे सबसे बड़ी पूछे तो 30, सबसे छोटी पूछे तो 24। तो सिंपल से तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी जो आपको पूछा गया था, इसने कहा कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 32 है। 6 क्रमागत विषम संख्याएं, तो 6 संख्याएं हैं भाई, ये 6 संख्याएं होगी, औसत क्या होता है, बीच मिडिल में होता है आपका, ये आपका औसत होगा। तो आपके लिए आपके क्वेश्चन बोला है औसत जो है वो कितना है भाई, 32। औसत कितना है, 32। लगातार विषम संख्या है, अगर औसत 32 तो अगली कौन सी होगा विषम संख्या आपका, 33। विषम संख्याएं पूछा है तो इससे बड़ी विषम संख्या कौन, 33। इससे बड़ी 35, इससे बड़ी 37। तो सबसे बड़ी आपकी क्या होगी, 37। आपसे पूछा है सबसे छोटी, तो आप किस इधर आओगे, इससे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 31। इससे छोटी 29। इससे छोटी क्या होगी, 27। तो जो आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का हो गया आपकी 27। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आराम से क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर पा रहे होंगे, तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं हो पा रही होगी। अब फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पे। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट इनमें है क्या दोस्त, कॉन्सेप्ट ये कहता है जो चीज़, जैसे अगर भाई बोल दिया जाए कि किन्हीं संख्याओं का औसत 27 है, किसी भी संख्याओं का औसत 27 है, यदि सभी संख्याओं में 5-5 जोड़ दिया जाए, तो अगर आप सब में 5-5 जोड़ दोगे, मतलब क्या सब संख्याएं 5-5 से बड़ी हो जाएगी, तो आपके औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप करोगे, जो चेंजिंग आप संख्याओं में करेंगे, वही चेंजिंग आपके औसत में हो जाएगी। अगर सभी संख्याओं में आपने 2 जोड़ दिया है तो आपका औसत भी 2 से बढ़ जाएगा। अगर अभी आपने सभी संख्याओं में 5 से घटा दिया है तो आपके औसत में क्या होगी, 5 घट जाएगा। अगर आपने सभी संख्याओं में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका औसत भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सबसे में आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका औसत भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्त ये है, जो प्रक्रिया आप संख्याओं में करोगे वही प्रक्रिया आपके औसत में हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट देखिए कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं, लगातार क्वेश्चन बने हैं। तो मैंने आपसे बताया है यार, अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड जो भगवान ने आपको दिया है ना, बहुत अच्छा माइंड दिया है, थोड़ा सा अगर आप उपयोग करोगे तो मैथ बहुत ही आसान है यार, आपको लग भी रही होगी। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। जो लोग नए हैं,
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगली वीडियो जैसी आए आपको पास अलर्ट हो जाए आप। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा कि भाई 15 संख्याओं, ये नहीं पता कि कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत है या कैसे है, कुछ नहीं पता है। इसे सिंपल तरीके से बोल दिया है कि 15 संख्याओं का औसत 42 है, 42 है। प्रत्येक संख्या में से 17 कम कर दिया, 17 कम कर दिया जाता है तो नया औसत ज्ञात करें। मतलब क्या हुआ भाई, 15 पहले संख्याओं का कितना था, 42। अब आपने क्या किया है, सभी संख्याओं को 17 से लेस किया है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो प्रक्रिया आप संख्याओं में करेंगे वही प्रक्रिया आपके औसत में हो जाएगी। मतलब क्या होगा, आपका जो नया औसत होगा वो भी 17 से कम हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आपका नया औसत कितना हो जाएगा भाई, 25 का। आपका न्यू औसत कितना जाएगा, 25। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, बस जो चीज़ आप संख्याओं में कर रहे हैं वही चीज़ आपको औसत में करना होगा। अब फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि भाई 30 संख्याओं का औसत 132 है, 30 संख्याओं का औसत 132 है। प्रत्येक संख्या में इसे 11, प्रत्येक संख्या को 11 से भाग दे दिया जाता है तो नया, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। सबका पहले कितना था भाई, 32। अब आपने क्या किया, सभी संख्याओं को 11 से डिवाइड कर दिया तो आपका औसत भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, तो आपका न्यू औसत क्या हो जाएगा भाई, इसको आप अगर 11 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा आपका, 12। सिंपल सी चीजें हैं, जो प्रक्रिया आप करेंगे उसमें वही प्रक्रिया आपकी यहाँ पे होगी। तो हमने एक कंप्यूटर गुरु नाम का एक चैनल बनाया है, उस पर आप अगर पहले उसको जाएं सर्च करें, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें जिससे आपको अलर्ट आ जाया करेगा। तो उसमें आप टाइम एंड वर्क और नंबर सिस्टम की वीडियोज़ मेरी मैथ की आ चुकी हैं, और उसमें कुछ जीएस की भी वीडियोज़ हैं, और आपको इसी इंग्लिश और रीजनिंग की वीडियोज़ मिलेगी, तो वहाँ भी आपको वीडियोज़ मिल पा रही होंगी। तो ये मत सोचना कि मैथ्स गुरु कुछ होगा, मैथ्स गुरु तो आपको चलता ही रहेगा। अगर आपको कंप्यूटर गुरु जिसमें आपको टाइम एंड वर्क पूरी तरीके से, आपको टाइम एंड वर्क जैसे जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसी तरीके से वहाँ पर आपको मिल पा रही होगी। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर गुरु चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब आते हैं फ्रेंड्स आपके थोड़ा लेवल अप करते हैं, जो लगातार क्वेश्चन पूछा है लेवल अप हुआ है, लेकिन मेथड आपकी वही सिंपल सी रहेगी, एक लाइन, एक लाइन में सभी क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर पा रहे होंगे। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, बस इतना ही समझिए कि जो प्रक्रिया आप सब में करेंगे वही प्रक्रिया आपके औसत में भी होगा। आप क्या आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 5 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 56 केजी है, 56 है। एक नए व्यक्ति के आ जाने पर समूह के औसत वजन में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं अगर आपसे कहूं कि अभी आपके घर की, आपके घर के सभी सदस्यों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, मतलब क्या सब 30-30 किलोग्राम का हो गए? अगर कोई नया सदस्य आ रहा है अगर वो भी 30 किलोग्राम का होता तो आपके घर के औसत में कोई वृद्धि होती, कोई चेंजिंग नहीं होती। अगर वो औसत से कम हुआ तो आपके घर का औसत क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। अगर वो औसत 30 से ज़्यादा होगा तो आपके घर का औसत क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, वही मेथड यहाँ पर है। अगर जो नया व्यक्ति आया है अगर वो 56 ही केजी का होता तो इन समूह के औसत में कोई वृद्धि ना होती, कोई भी चेंजिंग नहीं होती। मतलब लेकिन क्या यहाँ पे हुआ है, वृद्धि हुई है। मतलब क्या हुआ, वो जो नया व्यक्ति है ना वो 56 किलोग्राम से 56 केजी से क्या है भाई, ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितना है, मतलब कि उसके आने पर 2.5 केजी की वृद्धि हो रही है, 2.5 केजी की वृद्धि हो रही है, लेकिन कितने लोगों के लिए, 5 लोग तो थे पहले ही, एक खुद आया है, मतलब क्या 6 लोगों के लिए 56 किलोग्राम से ज़्यादा है, कितना 2.5 तो वृद्धि कर रहा है, कितने लोगों पे, 6 लोगों पे, मतलब कितना ज़्यादा हो गया वो 2.5 × 6। सिंपल सी चीज़ें हैं, आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो बस मेथड इतना है, अगर आपके औसत में वृद्धि हो रही है मतलब क्या हुआ, वो औसत से ज़्यादा होगा तो आप अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा आपका, 71 केजी। मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलोग्राम का था भाई, 71 किलोग्राम का। तो
तो यार फ्रेंड्स मैथ बहुत इजी है, बस अपना माइंड चलाओ, सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सी चीज़ है, अगर औसत वृद्धि हो तो भाई ऐड कर देंगे, कम हो रहा तो घटा देंगे। कह रहा है कि 13 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 60 किलोग्राम है, एक नए व्यक्ति के आ जाने पर समूह का औसत वजन में 1.5 केजी की कमी हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, कमी हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि वो समूह के औसत वजन से, समूह का औसत कितना था 60, वो क्या होगा 60 से कम होगा, उसके आने पर कमी, इसका मतलब क्या हुआ वो औसत वजन से कम है। तो दोस्त कितना कम है, 1.5 कम है, 1.5 की कमी हो रही है। लेकिन कितने लोग पे, 13 तो समूह में थे, एक खुद आया, तो कितने लोगों पे भाई 14 पे कमी होगी। तो मतलब वो जो नया व्यक्ति होगा वो कितना वजन का होगा, 60 तो था भाई, अगर 60 होता तो 60 से कम हो रहा है, कितना 1.5 कितने लोगों के लिए भाई 14 लोगों के लिए, अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना जाएगा आपका 39 केजी। मतलब कि नए व्यक्ति का वजन कितना था भाई 39 केजी। सिंपल सी चीज़ें हैं, आप क्वेश्चन को एक लाइन में ही सॉल्व कर पा रहे होंगे। अभी तक फ्रेंड्स आपने किया कम ज़्यादा, अब इन्हीं क्वेश्चनों को जो आपसे दिया जस्ट इसी का अपोजिट क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन क्या है उससे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा कि भाई 7 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन एक 80 किलोग्राम के नए व्यक्ति के आ जाने पर 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 7 व्यक्तियों का औसत वजन ज्ञात करें। मतलब कि हमें नहीं पता उन 7 व्यक्तियों का औसत वजन कितना था, लेकिन जैसे ही 80 किलोग्राम का आया, 80 किलोग्राम का आया तो वो क्या हुआ भाई, उसने 2 किलोग्राम औसत वजन बढ़ा दिया। 2 किलोग्राम औसत वजन बढ़ा दिया मतलब क्या, ये उनके औसत से भाई ज़्यादा रहा होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उनका कितना था भाई 2 किलोग्राम बढ़ा है, 7 लोग थे, अब एक और आ गया है, मतलब कितने लोग हो गए 8 लोग भाई। सिंपल सी चीज़ें, पहले इसको समझिए, 80 किलोग्राम का व्यक्ति आया है तो उनके औसत वजन में वृद्धि हो गई, मतलब क्या हुआ समूह का जो औसत वजन रहा होगा वो क्या हो रहा होगा भाई 80 से कम रहा होगा, 80 से कम रहा होगा कितना 2 किलोग्राम की भाई चेंजिंग हो रही है, 7 एक नया आया है, कितने लोगों पे 8 लोगों में। सिंपल सी चीज़ें हैं, 80 में से अगर आप 16 घटा देंगे तो क्या जाएगा आपका 64 केजी। मतलब उन 7 व्यक्तियों का जो औसत था भाई वो कितना था 64 केजी। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। एक लाइन एक सेकंड, वो भी अगर आप चाहो तो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, सिंपल तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। फ्रेंड्स अभी आपने किया दो टाइप अलग क्वेश्चन हो, ये आपका सब उन दोनों से अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या था अभी तो, उन दोनों क्वेश्चन में क्या था भाई, किसी एक नया व्यक्ति ऐड हो रहा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है, किसी एक व्यक्ति के स्थान पर कोई व्यक्ति आएगा, एक कोई व्यक्ति के स्थान पर आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 16 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है, एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाएगा, मतलब कि कोई सदस्य था उसमें से चला गया, मतलब कि आज भी कितने लोग होंगे 16 ही लोग होंगे। तो जब ये नया व्यक्ति आया है ना तो क्या हुआ, समूह का औसत 0.5 केजी कम हो गया है, 0.5 केजी कम हो गया है। मतलब क्या हुआ यार, अगर ये 70 किलोग्राम का ही होता, अगर ये 70 किलोग्राम का होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिंपल सी चीजें हैं। लेकिन हुआ क्या है, इसके जैसे ही आया तो 0.5 केजी क्या हो रहा है आपका औसत, समूह का औसत वजन क्या हो रहा है, कम हो रहा होगा। हम तो यही एज्यूम करेंगे कि भाई पहले समूह का औसत वजन कितना था 70 केजी था, मतलब क्या सब 70 किलोग्राम के रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आया तो क्या हुआ 0.5 केजी की कमी हो गई। मतलब क्या ये 70 से कम रहा होगा, कितना, इतना कम था कि ये 0.5 केजी, कितने लोगों कम, एक के, इसके ये पहले तो 16 थे तो एक गया फिर एक आया है, इसका मतलब क्या आज भी लोग कितने होंगे 16 होंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या था, एक कोई नया व्यक्ति आ रहा था तो वहां पर हम उस व्यक्ति को ऐड कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ रहा है। तो बच्चे हम यहां पर आज भी अगर देखेंगे तो क्या सिर्फ 16 ही लोग होंगे। तो सिंपल सी चीजें हैं,
तो ये 70 किलोग्राम से कम था, इतना कम था कि ये 16 लोगों पे 0.5 केजी कम कर दिया, तो मतलब क्या 8 कमी हो गई, कितने किलोग्राम का था ये 62 केजी का था। तो भाई जो नया व्यक्ति आया है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर एक नया व्यक्ति आया तो भाई नंबर ऑफ मैन में क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति के स्थान पर तो आज भी उतने ही व्यक्ति थे। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसा भी लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही ये वाला भी क्वेश्चन है, वहाँ पे कमी, यहाँ पे क्या हो रहा है वृद्धि। कह रहा है कि भाई 10 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 80 किलोग्राम है, एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति के आ जाने पर समूह का औसत वजन 0.5 केजी से बढ़ जाता है। अगर भाई बढ़ जाता है मतलब क्या हुआ, पहले जो व्यक्ति गया था हम तो यही अज्यूम करेंगे वो 80 किलोग्राम का ही था, अगर ये भी 80 किलोग्राम का होता तो कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन इसके आने से समूह के औसत वजन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब क्या हो रहा होगा, ये 80 प्लस रहा होगा, 80 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि 0.5 किलोग्राम कितने लोगों पे, 10 लोगों पर। भाई पहले 10 थे, एक गया एक आया, तो अभी भी मनुष्यों की संख्या कितनी, 10 ही होगी, मतलब कि इतना ज़्यादा वृद्धि होगी। तो मतलब ये नया व्यक्ति भाई कितने किलोग्राम का था आपका, 85 केजी किलोग्राम का था। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी, आइए था आपका एवरेज का पार्ट वन, आपका अगला पार्ट जल्दी आपको मिलेगा। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें, और जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स आराम से मस्ती से पूरा आपकी मैथमेटिक्स मैथ्स गुरु चैनल पे हो सॉल्व हो पा रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, आपके साथ है मैथ्स गुरु। तो थैंक यू दोस्तों।